बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद में उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी रणनीति भी तैयार की जा रही है। इलाहाबाद विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और मौके पर सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल और जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह मौजूद रहे। तो वहीं उपचुनाव के उम्मीदवार गोविंद कांडा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार का दावा किया और वहीं किसान द्वारा गोविंद कांडा को काले झंडे भी दिखाए गए और किसानों की भीड़ को देखते हुए जिले में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो नामांकन जरूर दाखिल कर दिया गया है, लेकिन अपने कार्यालय का जो उन्होंने उद्घाटन करना था उसे उन्होंने जरूर टाल दिया, क्योंकि किसानों के विरोध को देखते हुए ऐसा उन्हें करना पड़ा। जेजेपी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में उतरे हैं। में भागीदारी करने का मौका पहली बार 2005 के बाद यहाँ की जनता को मिलता है, तो निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता सत्ता में भागीदारी करेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा जी प्रमुख समाज सेवी हैं, सिरसा के सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी से उनका व्यवहार रहता है, आम आदमी के बीच में रहने वाले हैं। गोविंद कांडा जी का फार्म भरवाने के लिए आई है। ये चुनाव जो 30 अक्टूबर को होगा उसका आज पहले नवरात्रे के दिन हमने इनके नामांकन से शुरुआत कर दी है। इलाहाबाद के लोग इनको विजयी बनाएंगे। ये जो चुनाव है ये एक ऐसी स्थितियों में हो रहा है जब यहाँ के विधायक ने एक ऐसे मुद्दे पर इस्तीफा दिया जो मुद्दा वास्तव में था ही नहीं, क्योंकि उन कानूनों पर स्टे है। उधर प्रधान